देखो भाई रतलाम बाईपास पर हो रही है चोरी। ये देखो गाड़ी वाला चक्कू बता रहा है, 100 नंबर बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। माल लूट रहे थे चोर, ट्रक ड्राइवर को दिखाया चाकू, पर ड्राइवर की बहादुरी पर देनी पड़ेगी दांत। ऊपर है या ऊपर ऊपर है या देखो भाई रतलाम बाईपास पे देखो भाई रतलाम बाईपास पे हो रही है चोरी। ये देखो गाड़ी वाला चक्कू बता रहा है, 100 नंबर फोन लगाओ, फोन लगाओ तुम तो क्या देखो ये मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है, जहां शायद लोग काफी दिलदार हैं, पर देश के इस दिल में लुटेरों के हौसले काफी बुलंद है। मध्य प्रदेश का एक वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है और आप इस वायरल वीडियो में लुटेरों के बुलंद हौसले भी देखेंगे, साथ ही साथ ड्राइवर की बहादुरी भी। ये है मध्य प्रदेश का रतलाम बाईपास, जहां 8:30 बजे के तकरीबन का ये वीडियो है। हमने आपको पिछली वीडियो में एक बार दिखाया था कि कैसे ड्राइवर ने उस वीडियो में सायरन का काम किया, यानी कि ड्राइवर को आगे जाकर चोरी की सूचना दे दी थी, जिससे ये पता चलता है कि ड्राइवर अब जागरूक हो गए हैं और एक दूसरे की मदद के लिए अपनी जान पर खेल कर आगे आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में भी देखा गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाईवे है जिस पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, गुप अंधेरा है और एक ड्राइवर अपने फोन से वीडियो बना रहा है। और वो जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि गाड़ी के आगे एक बाइक ट्रक के पीछे लगी है, दो लोग सवार हैं और जैसे ही दो लोगों को पता चलता है कि ड्राइवर उनके पीछे है तो वो ड्राइवर को चाकू दिखाने लगते हैं और ड्राइवर को डराने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए रात के इस अंधेरे में रोड पर ये चोर खुलेआम चाकू दिखा रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते होंगे कि ड्राइवर यहाँ कितने ही सेफ है। ड्राइवर फिर आगे लाइट्स मारता है तो पता चलता है कि सिर्फ ये दो लुटेरे ही नहीं है बल्कि अगली गाड़ी पर भी एक चोर बैठा हुआ है जो बोरे फेंकने का काम कर रहा है। प्याज के बोरे हैं, माल पर तरपाल नहीं है, जिसकी वजह से लुटेरों ने आसानी से चोरी को अंजाम देने की सोची। खुली तिजोरी की तरह माल दिखा तो लुटेरे उस पर टूट पड़े। और दूसरी बात, शायद लुटेरों को पता था कि इस हाईवे पर लाइट्स नहीं है तो आखिर देखेगा ही कौन, पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं है। लुटेरे चाकू दिखाते रहे, पर आप ड्राइवर का जज्बा देखिए, वो डरा नहीं, उसने वीडियो बनाई। यहाँ चोर प्याज की बोरी फेंकता दिखाई दिया जिसके बाद वीडियो खत्म हो गई। पर यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि मध्य प्रदेश के रतलाम हाईवे पर चोरियाँ रुक नहीं रही, सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। इस ओर पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, मिनिस्ट्री को भी इस मामले पर सख्ती बरतनी चाहिए। कैमरे, लाइट्स, सब कुछ हाईवे पर होना चाहिए जिसका सीधा संबंध कंट्रोल रूम से हो, और अगर कोई भी ऐसी वारदात हो तो अलर्ट मिल जाए और ऐसी लूट रुक सके या फिर कम हो सके। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।